दोस्तों ज्यादातर प्लेयर क्लैश स्क्वाड पे गलत तरीका से रैंक पुश कर रहा है और हम जैसे साधारण प्लेयर की रैंक माइनस। क्यों? भले आज हम रैंक माइनस खा रहे लेकिन गलत तरीका से रैंक पुशिंग नहीं करेंगे, क्यों? आप अपनी आईडी से बहुत प्यार करते हो, इसलिए मैं स्केयरक्रो गेमिंग आपको एक लेजिट वे ऑफ गेम प्ले सिखाऊंगा आज, जिससे बुया करना आसान हो जाएगा। आज हम देखेंगे कॉटलिस्ट राउंड पे इजिली बुया कैसे करे, व्हाट आर शिफ्टिंग जोन एसेट्रा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी ट्रिक, सेम ड्रेस इजी बुया। ये कौन सी ट्रिक है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो गेम स्क्रीन पे आ जाओ। ये जो ट्रिक है ये बहुत पहले से चल रहा है, ओके? मतलब सीजन वाइज हर ग्रैंड मास्टर प्लेयर ही यूज करते हैं, मैक्सिमम प्लेयर ग्रैंड मास्टर में जो रहता है वही लोग यूज करते हैं। अब देखो आपके पास अगर स्क्वाड है तो आपको सेम ड्रेस बना लेना है, ओके? एंड ये ड्रेस आपको कहां से मिलेगा? तो देखो ये जो ड्रेस है ये फ्री का ड्रेस है, ये सबको मिलेगा। ऐसा ड्रेस बनाओ जो सबके पास हो। अब देखो आप अपनी टॉप अप नहीं करते आईडी में, मुझे पता है, अगर नहीं कर रहे हो तो आप एक काम करना ना गाइस, आप स्टोर में जाना, रिडीम वाले सेक्शन में जाना और ये आईडी मतलब जो ड्रेस देख रहे हो मेरे आईडी में वही ड्रेस आप भी खरीद के लेना, ठीक है? ये ज्यादातर नहीं लेता, बस 15-20 टोकन में आपको मिल जाए, ठीक है? 15-40 टोकन में। तो ये मतलब ड्रेस को मैंने परचेस कर लिया और देखो इस ड्रेस को पहन लिया हमने सारे, ठीक है? चारों बंदा पहन लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एनिमी को चकमा देंगे। आपको यूज करना आना चाहिए बस ये ड्रेस को। देखो एनिमी लोग ना क्या सोचते हैं, मैं डैमेज हूं, कभी वो बंदा सोचेगा भाई समीर भाई डैमेज है, कभी सोचेगा भी बिग डैडी डैमेज है, ऐसा वो लोग सोचेगा कि भाई ये बंदा डैमेज हो गया तो इसको ही मारने जो दूसरा बंदा को मारने जाएगा, तो इस तरह से वो कंफ्यूज हो जाए, ठीक है? वो दूसरा बंदा को नहीं मारेगा, वो बिना डैमेज वाला बंदा को मारेगा, तो इस तरह से क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो उनको कंफ्यूज करने के लिए ये ड्रेस कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? तो ग्रैंड मास्टर प्लेयर में ज्यादा यूज होता है। अभी देखो हम लोग चारों साथ में बैठे हैं, एनिमी का अभी देखो हम लोग मार का रहा है ना, सबका हेड में मार का रहा है, आप वो देखना गाइस एनिमी कैसे आ रहा है। देखो जैसे मैंने इस एनिमी को मारा, यहां पे क्या हुआ, एक प्लेयर हमारा यहां पे नॉक हो जाता है। आप देखो इसको मैंने मारा तो वो दूसरा प्लेयर को मारने लगा। अब देखो यहां पे यही बात है कि मैं डैमेज हूं, मुझे कोई नहीं मार रहा है, क्योंकि मैं बहुत डैमेज था, मुझे मारना चाहिए था लेकिन कोई मुझे नहीं मारा, उनको मार रहा था। तो यहां पे देखो फिर उसके बाद मैंने यहां पे रिवाइव भी किया, मेरे टीममेट ने यहां पे दिमित्री भी ऑन कर देता है, फिर हमारे टीममेट सारे के सारे रिवाइव हो जाते हैं। आप देखो ये जो ट्रिक है सभी लोग यूज करना सकते हैं, ठीक है? सभी लोग कर सकते हैं लेकिन उनके पास बस टीममेट होना चाहिए और जो बात सुनता है, जो ड्रेस पहने सेम, ओके? वही बात है। यहां पे हम लोग ने विक्ट्री तो निकाल लिया। अब आप ही बताओ गाइस ये ट्रिक अच्छा नहीं है, बताओ ये ट्रिक अच्छा था कि नहीं? हाँ, आप लोगों को पता है मुझे ये ट्रिक अच्छा लगा। अब देखो ये ट्रिक आपको यूज करना है हर सीजन वाइज, ओके? बाकी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गाइस, एक मस्त ट्रिक है, वो है 3:1 स्ट्रेटजी। 3:1 स्ट्रेटजी आपने सुना है कैसा? देखो गाइस तीन बंदा अलग रहेगा, एक बंदा अलग रहेगा, मतलब देखो गाइस ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, मैं आपको थोड़ा गेम पे लेके चलता हूं, थोड़ा क्लियरली समझाऊंगा, ठीक है? तो चलो गेम स्क्रीन पे आ जाओ। आप देख रहे हो 3:1 स्ट्रेटजी एंड इसमें देखो मैं अकेला खेल रहा हूं, ठीक है? मैं अकेला प्लेयर हूं जो वन साइड खेल रहा हूं और वो लोग एक साइड खेल रहे हैं, ठीक है? अब यहां पे वो लोग तीन बंदा है, हम यहां पे अकेले। अब मैं क्या करूंगा, यहां से राइट से डैमेज वगैरह दूंगा, ठीक है? अगर आपको डैमेज दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो एक काम करो आप ना राइट से पीछे से घूम के जाओ। पहले मैं मेडिकेट वाला मार लेता हूं, तो यहां पे मेडिकेट वगैरह मारने के बाद अब देखो मैं राइट से घूम के जा रहा हूं, मेरा टीममेट वगैरह वहीं से डैमेज तो दे रहा है प्लस क्लियर भी कर रहा है किल वगैरह। अब यहां से देखो मैं जैसे पीछे से जाता हूं, मैं एक बंदा को यहां पे नॉक कर दूं, ठीक है? ये मिल का राउंड है, यहां पे इसको मैं नॉक करने के बाद देखो पूरा क्लियर कर दिया। अब यहां पे कितना प्लेयर बचा है, दो प्लेयर बचा है, ओके? यहां पे देखो एक प्लेयर को इन्हें रिवाइव भी कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे नेड करके उसको फिर से नॉक कर दूंगा। अब देखो यहां पे नॉक करने के बाद इसका ग्लूअल को हम लोग फोड़ेंगे और यहां पे ओरियन बन जाएगा, ये बंदा ओरियन के ऊपर हमला कर ही नहीं पाएगा। देखो 3:1 स्ट्रेटजी काम तो आया, सच बोलता गाइस, ये ट्रिक भी आप लोग यूज कर दो। जैसे सेम ड्रेस है ये भी एक नया ट्रिक है आप सभी के लिए, मुझे पता है, कोई बात नहीं, आप लोग यूज करो अपने टीममेट के साथ। दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कॉटलिस्ट और राउंड पे इजीली बुया कैसे करें, क्यों? अब देखो ये कॉटलिस्ट और राउंड ना भाई बहुत मस्त राउंड है, यहां पे एनिमी कहां से मार रहा है किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन आपको ये स्केयरक्रो भाई आपको बहुत अच्छा तरीका से आसान इजी बुया दिलवा देगा, ठीक है? कैसे, तो चलो आ जाओ गेम पे। अब देखो आप लोग जब भी कॉटलिस्ट और राउंड आएगा आपको जाना है अपनी बेशक अपनी स्टाइल में, जैसे जैसे आप लोग रश करते हो वैसे आप लोग करो, देखो लेकिन आगे एक बंदा रहता है, हमेशा याद रहना आगे एक या दो बंदा हमेशा रहता है, ठीक है? ये जो घर देख रहे हो आपका एल शेप, इसके ऊपर बंदा रहता है, तो हम या क्या करेंगे यहां पे A124 मार के उनका स्किल पहले ही ब्लॉक कर देंगे। आप देखो ये कैरेक्टर सिर्फ A124 ही कर सकता है, इसलिए मैंने ये कैरेक्टर A124 यूज किया। आप देखो दो प्लेयर का स्किल ब्लॉक था, है कि नहीं गाइस? दो प्लेयर का स्किल ब्लॉक था, एक प्लेयर तो यहां पे हील अप हो रहा था, यहां पे इसको मैं नॉक कर दिया, उसके बाद दूसरा प्लेयर को भी नॉक करता, नॉक करने के बाद आप देखो ये हमारा
हमारा थोड़ा इजी हो गया, है कि नहीं गाइस? थोड़ा सा हम लोग को इजी हो गया क्योंकि स्किल ब्लॉक था ना, ही वो लोग एक्टिव यूज कर सकता, ना ही ओरियन बन सकता, ना ही सोनिया यूज कर सकता, ना ही कुछ यूज कर सकता। लास्ट में प्लेयर बचा था उसको भी हम लोग मार देते और ट्रिपल निकाल लेते। बहुत इजी ट्रिक है, बस A1-4 का यहां पे जरूरत पड़ेगा आपको कॉटलिस्टा राउंड पे। ओके, एक बंदा अगर कॉटलिस्टा राउंड पे A1-4 यूज करेगा थोड़ा इजी बन सकता है गाइस, ठीक है? तो यूज करना ये। ये चीज नोटिस किया कि सोनिया का स्किल में थोड़ा सा बदलाव आया कि यहां पे देखो, जैसे हम लोग न्यूज वाले सेक्शन में जाते हैं और अपडेट वाले सेक्शन में जाते हैं तो यहां पे सोनिया को फ्री फायर ने थोड़ा सा और वीक कर दिया। पहले कितना था? 200 था, 200 से फिर 100 किया, 100 से अब बस 50 कर दिया। यार क्या बुरा लगता है सच में यार, सोनिया अभी भी यूज हो रहा है क्या? देखो गाइस, अभी मैं अभी गेम पे हूं एंड देखो सोनिया आज भी यूज हो रहा है गाइस। ऐसा बात नहीं है कि सोनिया बेकार कर दिया या आफ्टर अपडेट ही गेम प्ले, भाई सोनिया आज भी यूज हो रहा है। देखो यहाँ पे कितने बंदे सोनिया यूज कर रहे हैं, चारों के चारों बंदा यूज हो रहा है। और यहाँ पे मेरा दो टीममेट भी सोनिया यूज कर रहे हैं, रैंडम प्लेयर है गाइस, ठीक है? एनिमी टीम भी रैंडम है। यहाँ पे मैं आपको यही बोलूंगा, सोनिया आज भी बेस्ट है। बहुत सारे बंदे सोच रहे हैं स्केयर को भाई मजाक क्यों करते हो, नहीं भाई मजाक नहीं कर रहा हूं, सोनिया बेस्ट है। अब ये क्यों बोल रहा हूं तो चलो गेम पे सिखा दो। देखो जैसे हम लोग अभी कहां पे अपना सेंटोसा वाली राउंड पे एंड यहाँ पे चारों के चारों प्लेयर्स यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, सोनिया कैरेक्टर एबिलिटी यूज कर रहा है। ओके, यहाँ पे देखो सोनिया जो कैरेक्टर है यहां पे मैक्सिमम प्लेयर दिमित्री के साथ यूज कर रहा है, ठीक है? ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है क्योंकि आपको एचपी का जरूरत पड़ता है जब भी आप सोनिया यूज करते हो, ठीक है? क्योंकि शील्ड पॉइंट रहता है एक्टिवेट होता है, 50 शील्ड पॉइंट रहता है ना, तो यहां पे जरूरत पड़ता है एचपी का, हमेशा ये चीज याद रखना। अब देखो मैंने एक प्लेयर को मारा, यहां पे उनका सोनिया एक्टिवेट हुआ प्लस वहां ने दिमित्री ऑन कर दिया। यहां पे एक और प्लेयर का सोनिया ऑन हुआ, उसने भी गाइस यहां पे दिमित्री ऑन नहीं कर पाया लेकिन पहले खत्म हो गया। अब यहां पे देखो मैंने क्या किया, इस प्लेयर को मारने गया तो गाइस वो प्लेयर मेरा ऊपर चढ़ गया, मैं यहां से भागा। पहली बात तो यह है कि मुझे गेम प्ले से बुया करना था लेकिन मुझे यह चीज पता चल गया कि सोनिया बेस्ट है। यहां पे क्यों देखो गाइस, यहां पे गाइस मेरे को बहुत गंदा डैमेज पड़ रहा है क्योंकि गाइस चारों के चारों प्लेयर सोनिया यूज कर रहे हैं। अब जिसको नॉक करने जाओ सबका सोनिया एक्टिवेट हो रहा है, अब फिर से सोनिया को प्लेयर वालों को मारना पड़ रहा है, ठीक है? लेकिन भला इस चीज का होगा कि मेरे पास उकोंग कैरेक्टर का एबिलिटी था जिससे गाइस मैं सोनिया वाला प्लेयर को गाइस मार तो रहा हूं, उनका सोनिया एक्टिवेट हो रहा है, मैं उधर से भाग जा रहा हूं, ठीक है? यहां पे देखो वापस से इसका भी सोनिया एक्टिवेट, लेकिन बच जा रहा हूं। लास्ट में एक प्लेयर था जिसने मुझे मार तो गिराया है, लेकिन मैं यही बोलूंगा 50 सील पॉइंट है, घबराओ मत, 50 सील पॉइंट भी बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है? बस आप लोग को सोनिया यूज कर रहा है, अगर कर रहे हो तो गाइस करो क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट है सोनिया वाली, गाइस ठीक है? तो यूज करके देखो अभी भी फायदेमंद। बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में यह बताया था कि मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर शिफ्टिंग जोन्स। देखो शिफ्टिंग जोन्स का मतलब है जोन एक अलग एंगल में भाग जाना, एंड ये शिफ्टिंग जोन्स हमें करीब एक साल से देखने को मिल रहा है। बहुत सारे बंदे को पता ही नहीं कि इस जोन कहां पे बन रहा है, ठीक है? अब देखो शिफ्टिंग जोन्स में भी गाइस आपको ये चीज देना ध्यान देना है कि आप हिल बैटल करने के लिए भी सोच नहीं सकते हो जल्दी। तो मैं आपको थोड़ा कंफ्यूज नहीं करूंगा और पूरा गेम पे ही समझाऊंगा, तो चलो एक बार आ जाओ गेम पे। दोस्तों देखो यहां पे जो आपको शिफ्टिंग जोन्स है ये पहले नहीं आएगा, ठीक है? पहले आपका जो लास्ट जोन है वो वहां तक आ जाएगा। यहां पे आप लोग गौर से देख रहे हो मैं कहां पे हूं, मतलब मेरा टीममेट खेल रहा है यहां पे अभी मील पे हम लोग, ठीक है? तो यहां पे जो मील का राउंड है यहां पे गौर करोगे तो जोन अभी एंड में आएगा, ठीक है? ये देखो गाइस, ठीक है? जोन का मैंने आपको मैप दिखा दिया। अब जैसे जोन लगेगा एनिमी टीम का एक प्लेयर क्या किया था, वो नीचे चला गया, उसको आइडिया नहीं था कि ऊपर जोन बनने वाला है, ठीक है? उनको आइडिया नहीं था कि शिफ्टिंग जोन्स, क्योंकि वो होता क्या है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे प्लेयर को पता ही नहीं है शिफ्टिंग जोन्स है क्या। देखो शिफ्टिंग जोन्स यही है कि भाई आपको गरीना ना गाइस यहां पे आपको मरवा देगा, अगर एक प्लेयर भी यहां पे ऊपर रहेगा और चार बंदा नीचे रहेगा ना तभी भी आप खत्म हो सकते हो। यही बात है शिफ्टिंग जोन्स का, क्योंकि पहले ही गाइस यहां पे आपका जो वो उठने वाला जगह है ना वही पहले ब्लॉक हो जाता है, वही बात है शिफ्टिंग जोन्स। देखो गाइस बहुत सारे शिफ्टिंग जोन्स ऐसा भी होता है कि गाइस आपको गाइस यहां पे ज्यादा प्रतिशत नहीं देगा एंगल, लेकिन एनिमी टीम के पास ज्यादा प्रतिशत जोन रहेगा। वही देखो गाइस, ठीक है? यहां पे मेरे पास कितना प्रतिशत जोन था, थोड़ा भी नहीं था, एनिमी के पास ज्यादा था, ठीक है? यहां पे देखो वो जोन को पहले कैप्चर कर लिया, तो उसको पता है शिफ्टिंग जोन्स चल रहा है गरीना फ्री फायर में। इसलिए बोलूंगा शिफ्टिंग जोन्स को समझो, अलग अलग जोन्स का है, जैसे पोचिनो का अलग है, क्लॉक टावर का अलग है, यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी का अलग है, हर जगह का अलग जोन। जितना आप लोग खेलते हो उतना समझने की ट्राई करो, बाकी बहुत आसान हो जाएगा गेम प्ले। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं गाइस एक बिगेस्ट मिस
मिस्टेक ऑन पोचिनोक राउंड। भाई ये पोचिनोक में सबसे बड़ा गलती मैंने कर बैठा था जो आपको देखना चाहिए। ओके, ये मिस्टेक बहुत बड़ा मिस्टेक है। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे एक बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर एपिक बैटल रॉयल मोड। ये जो एपिक बैटल रॉयल मोड है ये भी मस्त है यार, इसमें आप लोग इजिली बुया निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा नूब टाइप का ओपोनेंट आता है। ये थोड़ा सीक्रेट है, मैं आपको दिखाऊंगा एपिक बैटल मोड में क्या कॉम्बिनेशन आपको यूज करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बिगेस्ट मिस्टेक देख लेते हैं पोचिनोक राउंड का। तो चलो गेम पे आ जाओ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूं गेम पे, एंड यहां पे देखो मैंने गलती से एक मिस्टेक कर दिया था। गाइस हुआ क्या था, मैं जरा सा पोचिनोक में यहां पे आगे गया, तो यहां पे मैं थोड़ा सा गलती कर बैठा गाइस। यहां पे मारने के चक्कर में नॉक हो गया। अब मारने के चक्कर में जैसे नॉक हुआ, वो ग्लूवाल तो लगाया, ग्लूवाल नायरी का लगाया, बहुत अच्छा प्रोटेक्शन ग्लूवाल का था, लेकिन पहले खत्म हो गया ग्लूवाल भी। उसके बाद ये बंदा भी देखो किस तरह से नॉक हो गया, बुरा लगता है सच में गाइस। ये जो देखने में रैंडम प्लेयर के साथ वो भी गाइस इतना बुरा लगता है कि एक राउंड हार गया वो भी मेरी वजह से गाइस। सोचो गाइस कितना बुरा लगता है। इसलिए मैं तो बोलूंगा भाई छोड़ दो ये जो आप लोग स्कोपिंग करके मारते हो वो भी 2x से, छोड़ दो भाई, अब से नहीं मारूंगा मैं तो, ये नहीं करने वाला हूं, और आप भी ये गलती मत करना। दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, आप लोग को पता है गाइस ये गरेना फ्री फायर ये हम लोग का रैंक स्कोर लिस्ट क्यों चेंज कर दिया। यहां पे पहले अलग आता था गाइस, सबका रैंक शो होता था गाइस, ठीक है, कितना रैंक था, ये डायमंड का प्लेयर है, ये मास्टर का प्लेयर है, ये हीरोइक का प्लेयर है, ग्रैंड मास्टर का प्लेयर है, यहां पे पूरा शो होता था गाइस, ठीक है, लिस्ट में। लेकिन अभी क्या कर दिया, यहां पे एवरेज रैंक दे रहा है, यहां पे दोनों तरफ एवरेज रैंक आता है। ये क्यों हुआ, असल में आपको पता है लास्ट सीजन और उससे पहले जितना भी सीजन आपने खेला है उसमें बहुत सारे प्लेयर ग्लिच यूज करता था, मैच मेकिंग ग्लिच। उसमें क्या होता था, ब्रोंज का प्लेयर लाता था, है कि नहीं गाइस, बहुत सारे प्लेयर कुछ कुछ ट्रिक वगैरह यूज करते थे जो कि महीने में वो सही भी ठीक है, लेकिन कम से कम ग्लिच यूज नहीं करना चाहिए। जो आप लोग बैक करते हो वो ग्लिच यूज नहीं करना चाहिए, उससे आईडी खतरा होता है कि नहीं गाइस। वो बैक वाला सिस्टम बहुत बेकार है, क्योंकि बहुत सारे बंदे यूज कर रहे थे, गरीना को ये लग रहा था कि भाई ये तो हमारा पॉलिसी के खिलाफ है गाइस। तो इसलिए गरीना की क्या क्या उससे बैन करने से अच्छा है कि एक काम करते हैं, हमारा ये सिस्टम में ही अलग चेंज करते हैं, उसमें हम लोग रख देते हैं कि फ्री फायर का स्कोर लिस्ट ही चेंज करते हैं, उसमें एवरेज रैंक रख देते हैं। अब किसी को पता नहीं चलेगा भाई कितना रैंक वाला बंदा है, और कोई बैक भी नहीं करेगा, ठीक वैसे ये काम हुआ है गरीना की तरफ से। तो आप लोगों को ये चीज अभी पता चल चुका है, बहुत सारे यूट्यूबर को बोला भी नहीं होगा लेकिन मैंने आपको बता दिया। बाकी नेक्स्ट मैं आपको बता दूंगा गाइस बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर एपिक बैटल रॉयल मोड। ये जो एपिक बैटल रॉयल मोड है इसमें आप लोगों को गाइस अच्छे अच्छे प्लेयर भी दिखते हैं, कुछ कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो खेलने का मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक वैसा प्लेयर आता है। अब देखो गाइस यहां पे आपको क्या करना है, आप लोगों को हमेशा ये चीज गौर करना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन यहां पे चूज करें। बहुत सारे तीन कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, यहां पे मैं रिकमेंड करूंगा आपको तत्सुया वाली कॉम्बिनेशन। जैसे ही आप कॉम्बिनेशन लोगे आपको लगेगा कि भाई ये डुओ कॉम्बिनेशन तो खतरा है भाई। हां भाई ये खतरा इसलिए क्योंकि आपके पास जो तत्सुया है इसको आप 3 बार यूज कर सकते हो, है कि नहीं गाइस। एंड हर राउंड में आपको मतलब को बोलता ना कि भाई यहां पे जो हम लोग कूलडाउन लगे वो सब नहीं है गाइस, ठीक, कूलडाउन का सिस्टम ही नहीं है इसमें, इसलिए जो बोलते ना गाइस ये बहुत मजा आता है खेलने में, यहां पे कोई कूलडाउन वगैरह नहीं है, आप 3 बार भी तत्सुया यूज कर सकते हो। यहां पे मैं तत्सुया यूज करके बहुत सारे प्लेयर को खत्म भी किया, आप लोग देख ही सकते हो, यह बहुत अच्छा लगा मुझे गाइस, ठीक है। नो कूलडाउन, आप कोई भी कैरेक्टर लेके आ जाओ यहां पे कोई कूलडाउन लगने वाला नहीं है, इसलिए ये एपिक बैटल रॉयल मोड जो है गाइस ये बहुत अच्छा है सीएस रैंक पुशर्स के लिए। तो यहां पे मैं यूज कर रहा हूं उकोंग, आप उकोंग जगह में कुछ दूसरा भी ले सकते हो, मैं तो ऐसे उकोंग ट्राई कर रहा था, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन मुझे यहां पे बुया भी निकाल दिया। तो आपको यही बोलूंगा कि जब भी आप लोग एपिक बैटल रॉयल मोड खेलोगे तो तत्सुया वाली कॉम्बिनेशन ही इक्विप कर लेना। कमेंट बॉक्स से मुझे ये बताओ ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो जल्दी आपको हील करके दे सकता है आपका एचपी, जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स से उस कैरेक्टर का नाम बताओ।